नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की चार बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर अंबाला से है, जहां पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और अंबाला से ही पीएम चुनाव शंखनाद करेंगे। और साथ ही दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी से विधायक देवेंद्र बबली के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चुनाव प्रचार में पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि आखिर क्यों इंडिया गठबंधन बनाया गया। और साथ ही चौथी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने एक और नया खुलासा किया। ये चार बड़ी खबरें हैं आज दिन की, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली खबर अंबाला से है, जहां पर पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही पुलिस लाइन ग्राउंड में ये रैली का आयोजन होगा। अंबाला से पीएम करेंगे चुनावी शंखनाद। और दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर देवेंद्र बबली के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही देवेंद्र बबली का बयान सामने आया, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना और कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन बना और साथ ही संविधान बचाने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। चौथी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर राठी हत्याकांड में सीबीआई की जांच जारी है और जेल में बंद तीन आरोपियों से पूछताछ। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। 18 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान उन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही पीएम मोदी अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे। रैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, जिसे लेकर राज्य मंत्री असीम गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने रैली स्थल का दौरा करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के मीटिंग को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। देखिए, व्यवस्थाओं के नाते बैठक ली है और एक अंबाला के लिए, मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता के लिए जो देश को प्यार करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्यार करता है, उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी, और मैं मानता हूँ कि जो माननीय मोदी जी को पसंद करने वाले साथी हैं, लोग हैं, आम जन हैं, मेरे पे इतने फोन लोगों के, एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनने का इतना चाव है। और अंबाला शहर जो है परसों साक्षी बनेगा उनके आगमन का और उनके विचार हम सब लोग यहाँ सुनेंगे। बहुत उत्साह। अठारह मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। और पीएम मोदी अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे। रैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और जिसे लेकर राज्य मंत्री असीम गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा रैली स्थल का दौरा करते हुए सभी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे और साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा और कहा कि 11 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं, पहला चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया, वहीं दुष्यंत चौटाला ने हमें पार्टी में जोड़ने का काम किया, उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमने विधायक बनाया, हमारे जैसे लोगों को साथ ना जोड़ते तो शायद वे डिप्टी सीएम नहीं बन पाते। ये भी डिप्टी सीएम को याद रखनी चाहिए ये बात। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए और कुछ चार पांच नवरत्न टाइप लोगों ने इनको ऐसा घेर कर लिया है कि फिर किसी और के पास नहीं आने दिया। दुष्यंत जी को कहना चाहूंगा, जो हम 61 से एक किस्म से 11 साल की एक किस्म से सेवा और तपस्या, एक सेवादार के रूप में हमने अपने टोवाणा की जनता का को हमने
हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी सेवा करने का सौभाग्य, जो हमारी पारिवारिक परंपरा थी, कप्तान साहब ने जो हमें संस्कार दिए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। पहला चुनाव में आजाद लड़ा था, आप सबको ही पता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमने काम किया, वहाँ जो हालात चुनाव के दौरान बने, उसके बाद जोशन जी ने हमें सबको अपने साथ जोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बयान सामने आया है और साथ ही जिसमें उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 साल से लोगों की मैं सेवा कर रहा हूं, पहला चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया, वही दुष्यंत चौटाला ने हमें पार्टी में जोड़ने का काम किया, उसमें कोई दोराय नहीं है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमने विधायक बनाया, हमारे जैसे लोगों को साथ ना जोड़ते तो शायद ही वे डिप्टी सीएम वो नहीं बन पाते। ये बात भी पूर्व डिप्टी सीएम को याद रखनी चाहिए। और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, लगातार हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी में जो फूट है वो उजागर हो रही है, देवेंद्र बबली का ये जो बयान है कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, इस पर क्या जानकारी? देखिए सोनिया, अगर हम जो पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी के विधायक भी हैं उनका अगर हम कल का जो है अगर बयान देखें तो उस बयान से दो तरह की बातें सामने आती है। एक तो वो पार्टी में जो है वो पार्टी के कार्य जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे और उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार और उनके बयानों से जो है नाराज है, और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला को लेकर उन्होंने कहा है कि वो एक मैच्योर समझदार पॉलिटिक्स है, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा की गठबंधन टूटने के बाद जन नायक जनता पार्टी के विधायकों का अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो एक विरोध है वो कहीं ना कहीं जो है वो जारी। हालांकि कल देवेंद्र बबली ने कहा था कि वो अभी भी पार्टी के विधायक हैं और वो विधायक जो है वो रहेंगे, लेकिन विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो अलग अलग बयानबाजी दुष्यंत चौटाला या उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, माँ नैना चौटाला या फिर पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला की तरफ से बार बार जो एक टिप्पणियां उनके खिलाफ जो की जाती है वो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आ रही है। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला की मैच्योरिटी वाला एक जो पॉइंट पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है वो एक कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा वो पार्टी में वापसी करेंगे या नहीं करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा संचय है। जी ठीक है, ओपी शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। I'm really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, three easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार देवेंद्र बबली के बदलते सुर दिखाई दे रहे हैं और देवेंद्र बबली ने दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा, और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार ओपी शर्मा संवाददाता बने हुए हैं। ओपी शर्मा जी,
देवेंद्र बबली ने सीधा कह दिया कि उनके जैसे लोग नहीं होते तो दुष्यंत चौटाला कभी डिप्टी सीएम नहीं बन पाते, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए सोनिया, अगर हम देवेंद्र सिंह बबली के कल के बयान को देखें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो अगर वो विधायक नहीं बनते तो वो शायद दुष्यंत चौटाला विधायक दल के नेता और वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने उन लोगों को विधायक और मंत्री जो बनाया था, तो इसी बयान को लेकर जो दुष्यंत जो देवेंद्र सिंह बबली है वो कहीं ना कहीं प्रकार से नाराज चल रहे हैं, मतलब पार्टी से जो है नाराज चल रहे हैं उनका। हालांकि अगर हम देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो वो खुद करीबन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को करीबन 52,000 से 54,000 वोटों से हराकर जो है वो विधानसभा में आए थे, तो उस लहजे से कह सकते हैं कि अगर जेजेपी के अगर इतने प्रचंड उसकी जीत थी तो शायद 10 सीटें की फिर 20 सीटें भी आनी चाहिए थी। तो इसी बात का देवेंद्र सिंह बबली को व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं पिंच कर रहे हैं कि जो भी वो विधायक बने थे उनमें जो है वो दुष्यंत चौटाला या जेजेपी का एक अहम रोल था, तो इसी के चलते वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज है। और दुष्यंत चौटाला ने तो ये तक कहा है कि पार्टी के अगर 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो 5-6 विधायक जीत कर आए थे वो अपने बलबूते के ऊपर जो है वो जीत कर आए हैं। तो पार्टी से एक तरह से जो बयानबाजी है उससे दिग्विजय सिंह जो देवेंद्र सिंह बबली है उनको थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जी ठीक है। ओपी, लगातार आप देख रहे हैं कि देवेंद्र बबली के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी के भीतर ये जो अंतर कलह है, क्या लोकसभा चुनाव पर इस पर इसका असर पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है सोनिया, लोकसभा चुनाव पर इसका असर जो है पड़ेगा, पड़ता हुआ दिखाई भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम अगर जननायक जनता पार्टी के हिसाब लोकसभा सीट से बात करें जहां उनके पार्टी के प्रत्याशी नैना चौटाला लड़ रहे हैं, तो कल के में जो 3 सीटें हैं उसके ऊपर जननायक जनता पार्टी के जो विधायक जीत के हैं बरवाल जोग्राम सिहा उकलाना से अनुप धानक जीत कर जो है वो आए थे, लेकिन अब जोगीराम सिहा की बात कर ली और राम कुमार गौतम जो नारनौल सीट से जीते थे, ये तीनों विधायक जो है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के तहत जो इनके क्षेत्र आते हैं, लेकिन अब प्रचार में जो है वो अनुप धानक के अलावा दो विधायक राम कुमार गौतम और जोगीराम सिंह आ गए, ये कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अपने हलके में अगर ये जीत के आए तो हर विधायक के पीछे करीबन 30-40 हजार वोट जरूर है, लेकिन अब अगर ये प्रचार नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं पार्टी को जो नुकसान होगा। इस तरह का अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, शायद आपके जो विधायक रामगढ़ काला है वो भी जीत कर आए हैं, लेकिन वो भी जो है वो कुरुक्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के तौर पर के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे, तो करीबन 5-6 ऐसे विधायक हैं पार्टी के जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के जो है वो प्रचार में नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कितना खामियाजा होगा और कितना नहीं होगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता लगेगा। जी जी ठीक है। ओपी शर्मा, लगातार आपने देखा कि देवेंद्र बबली ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा, इस पर दुष्यंत चौटाला की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अगर इस मामले की बात करें तो दुष्यंत चौटाला की अब तक इस मामले में कोई जो है सीधी प्रतिक्रिया जो सामने नहीं आई है, लेकिन समय समय पर वो कहीं ना कहीं बयान इस तरह के और या फिर प्रतिक्रियाएं उनकी जो है वो आती रहती है, और वो देवेंद्र सिंह बबली का जो बयान आया, जो रिएक्शन आया, वो कहीं ना कहीं पिछले बयानों के ऊपर ही जो आया है। जी ठीक है। ओपी शर्मा, जेजेपी प्रत्याशियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, विरोध के बीच पार्टी में फूट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और ये फूट का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये सही है कि इस वक्त पार्टी में फूट जो दिखाई दे रही है और पार्टी कहीं ना कहीं दो धड़े होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में जब तक कुछ हो ना जाए तब तक शायद कुछ भी कहना जो है वो एक तरह से अपने आप में जल्दबाजी होगी। अगर क्या ये जो पार्टी के साथ विधायक मिलकर स्पीकर से अलग दल की मांग करते हैं, या फिर शिवसेना की तरह महाराष्ट्र की तरह हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी में कुछ होता है, कुछ ऐसी संभावनाओं का जो है वो अभी दौर चल जरूर रहा है, लेकिन
जब तक कुछ साफ नहीं होता तो उसके चलते वो कहीं ना कहीं हमें शायद ज्यादा कमेंट नहीं करनी थी। लेकिन ये कि अभी भी अगर हम जननायक जनता पार्टी के दो विधायकों की बात करें तो रामकुमार गौतम जो नारनौल से विधायक है वो थोड़ा सा अभी चुप बैठे हैं, ना वो बीजेपी के प्रत्याशी के प्रचार में जा रहे हैं, ना वो अपने कांग्रेस के पार्टी के प्रचार में जा रहे हैं। वो अपने बेटे को अगला टिकट की हामी बनवाने के बाद ही शायद अपने पत्ते खोलेंगे, तो वो अभी चुप चल रहे हैं। वहीं अगर हम बाकी विधायकों की बात करें, रामकरण काला तो वो ठीक है प्रचार में, वो भी नहीं जा रहे, लेकिन वो कह तो रही है कि मैं भी पार्टी का जो है विधायक हूँ, लेकिन उनके बेटे दोनों बेटे जो जिला पार्षद बने थे वो पिछले दिनों करीबन 15 दिन पहले या 20 दिन पहले नेताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। तो अब इस बात का क्या मतलब निकल गया, बेटे कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं और खुद अभी जेजेपी में है, तो पार्टी में अभी ये जरूर है कि अंतरकलह जरूर चल रहा है, लेकिन ये अंतरकलह कहाँ पर खत्म होगा, पार्टी दो फाड़ होगी, पार्टी दो फाड़ नहीं होगी, इसके पर थोड़ा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जी ठीक है, ओपी शर्मा, लगातार कई तरह के बयानबाजी है यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही अंतरकलह की जो बात है वो सामने आई है, और इसी पर उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। किस आधार पर देवेंद्र बबली ये ऐसा कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए? क्या अभी लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हो रहा है क्या? देखिए सोनिया, अगर मैं लोकतंत्र और तानाशाही की बात करूं तो शायद एक बहुत ही बार जितना अंतर जो लोकतंत्र और तानाशाही में होता है, कई बार ठीक है किसी आदमी ने कोई सुझाव दिया और वो सुझाव सामने वाले को पसंद नहीं आया तो सामने वाला तानाशाही मान सकता है, जिसने सुझाव दिया उसका माना नहीं गया तो तानाशाही कह सकता है। लेकिन जो पार्टी के मुखिया होते हैं उनका एक अपना अलग दायरा और एक बड़ी सोच और पूरे एक बड़ा इलाके के हिसाब से वो कहीं ना कहीं जो है वो फैसले लेते हैं। लेकिन ठीक है, देवेंद्र सिंह बबली ने आरोप लगाए तो वो एक लोकतंत्र के चलते इन्होंने आरोप लगाए और दिग्विजय दुष्यंत चौटाला ने उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं दी है वो भी है, लेकिन आप तानाशाही और लोकतंत्र के अंदर थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम माने तो इसी लोकतंत्र की अगर बात करें तो बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, यहाँ पर अगर कोई विधायक जल्दी से जो है पूरे देश का अगर विकार देखे तो पार्टी के खिलाफ जो वो नहीं बोलता है। लेकिन वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानबाजियां चलती रहती है। अब कांग्रेस में लोकतंत्र कहेंगे या बीजेपी में तानाशाही कहेंगे या बीजेपी में डिसिप्लिन कहेंगे या फिर कांग्रेस में इनडिसिप्लिन कहेंगे, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक है अगर देवेंद्र सिंह बबली पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनको कुछ तो आरोप लगा के जो है कहीं ना कहीं आगे जाना ही होगा, लेकिन ठीक है लोकतंत्र में जनता फैसला करेगी अगर उनका फैसला कैसा रहता है। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, ये है मोदी की गारंटी। बेटा ना बिजली ना बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी, बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है, खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनाज मंडी में आयोजित रैली में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव हरियाणा विधानसभा का रास्ता निर्धारित करेगा और साथ ही 10 सालों में बेरोजगारी व्यापार में हरियाणा नंबर 1 बना है और साथ ही संविधान बचाने के लिए गठबंधन का रास्ता चुना गया। वहीं इस रैली में पूर्व
मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सुशील गुप्ता, लाडवा विधायक मेवा सिंह, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा और तमाम कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहे और साथ ही भारी संख्या में उमड़े जनसैलाब से हुड्डा ने गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो बना है, न्याय पत्र जो बना है, वो अशोक करोड़ा जी ने तफसील में आपको बताया। हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब आदमियों के लिए सारे प्रदान किए हैं। बता दिया 1 लाख जैसे अप्रेंटिसशिप बेरोजगारों के लिए है, 1 लाख घर में महिला के लिए साल के, इस प्रकार से सारे बता दिए। इसके अलावा आज केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली हैं। राहुल गांधी ने कहा वो 30 लाख नौकरियां हम 1 साल के अंदर भरेंगे, लगाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन सांगर, आपने अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से विधानसभा का जो रास्ता है वो खुलेगा, क्या लगता है कि हुड्डा का ये जो सपना है ये साकार हो पाएगा? बिल्कुल सोनिया, देखिए जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र लोकसभा के लाडवा विधानसभा के नाजवड्डी में एक बगैर रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट की अपील की थी। और जिस तरह से भारी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है देखने को मिले थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से कहा है कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो चुनाव है आने वाले विधानसभा चुनावों पर जो है निर्धारित करेगा कि किस तरह का माहौल जो है बनेगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो सोनिया लोकसभा के चुनाव अभी देखिए चल रहे हैं और कुछ ही समय के बाद जो है हरियाणा के अंदर भी विधानसभा के चुनाव हो गए, तो सीधा सीधा इसका असर जो है विधानसभा चुनाव पर भी जो है देखने को मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में जो है बेरोजगारी में जो है नंबर 1 हरियाणा जो है बनाए है, और इसी तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के द्वारा भी आरोप जो है लगाया गया कि जिससे जो प्रत्याशी भाजपा के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से उतारा गया है उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आरोप जो है लगाए गए थे घोटालों का, लेकिन जिस तरीके से जो है उन्हें जो है फिर से जो है किस तरीके से जो है टिकट दे दी है ये सोचने वाली बात है। इस तरह का आरोप जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनके द्वारा लगाए गए हैं, और देखा जाए तो हरियाणा के अंदर देखिए पूरा माहौल जो है गर्मराया हुआ है और कुरुक्षेत्र लोकसभा एक हॉट सीट जो है बन चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के द्वारा और आम आदमी पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी जो है और राज्यसभा सांसद भी है सुशील गुप्ता, वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं। और इंडिया के जिस तरह से 2 बार रहे सांसद और भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल भी मैदान में है, और कहीं ना कहीं एमएलओ के द्वारा भी जो है राष्ट्रीय जो प्रधान उनके अभय सिंह चौटाला मैदान के अंदर उतरे हैं, तो काफी हॉट सीट जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा इस समय जो है बनी हुई है। जी सोनिया जी, ठीक है गगन सांगर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास हुई इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफीस सिंह राठी और उनके समर्थक जय किशन की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, और मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम ने केस में झज्जर जेल में बंद 3 आरोपियों से पूछताछ की। वहीं पूछताछ में सीबीआई टीम को पता चला कि ये कोई गैंगवार नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, और साथ ही सीबीआई ने इस दिशा में जांच तेज कर दी है, और साथ ही केस भी सीबीआई कोर्ट पंचकुला को ट्रांसफर हो गया, और पहले यह केस बहादुरगढ़ कोर्ट में था। सीबीआई के अधिकारी काफी गहनता से हर एक पहलू को जांच रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो अभी तक हमारे सामने आया है अखबारों के माध्यम से और अपने स्रोतों के माध्यम से, तो राजनीतिक दबाव के कारण
लोकल पुलिस ने और प्रशासन ने इस मामले में कोताही बरती है। जहां तक हमें न्याय की बात है, हमें न्याय तभी मिलेगा जब साजिशकर्ता सामने आएंगे और जल्द से जल्द वो गुनहगार पकड़े जाएं, वो हत्यारे पकड़े जाएं। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।